दिमाग लगा, तेरी आदत अभी से ऐसी है पहले ऐसी थी। मैंने उस वे में नहीं बोला था। तू तो बोलता ही नहीं है, तू तो बहुत दूध का दूल्हा है। आज मेरे घर वालों के लिए बोला, कल तेरे लिए बोलेगा। क्या बोला था तेरे कान में? कुछ इतना तूने मेरे कान में कही थी, मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। अच्छे लगते तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले बिग बॉस के बहुत ही चर्चित मुद्दे के ऊपर। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अरमान मलिक के द्वारा विशाल पांडे को मारे गए चाटे के ऊपर। आज हम किसी को गलत या किसी को सही नहीं कहेंगे, हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। इस चीज की शुरुआत कहां से हुई और ये चीज खत्म कहां जाके हुई और इस पे बिग बॉस का क्या एक्शन था, वो पूरी हम डिटेल्स में बात करेंगे आज। इस चीज की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि विशाल के द्वारा कुछ शब्द बोले गए थे कृतिका मलिक के लिए, जो कि विशाल ने अपने दोस्त लवकेश कटारिया को बोले थे। बस अच्छे, तो जैसा कि आप लोगों ने क्लिप में देखा कि विशाल ने लवकेश को बोला था कि भाभी मुझे सुंदर लगती है, और इस तरह से मिलते जुलते कॉम्प्लीमेंट वो उनको ऑलरेडी कृतिका को पहले भी दे चुके हैं कि आप विदाउट मेकअप अच्छी लगती हैं। अब मेकअप के बिना ज्यादा अच्छी लगती हो भाभी, सही बोल रहा हूँ। तो इस बार जो ये मुद्दा हाईलाइट हुआ है वो सिर्फ एक वर्ड, एक छोटे से वर्ड की वजह से हुआ है। और जो विशाल की तरफ से ये सेंटेंस था बोला गया था, उससे पहले जो एड किया गया था गिल्टी वर्ड की वजह से ये पूरा मुद्दा हाईलाइट हुआ है। चीज के लिए गिल्टी हूँ मैं यहाँ पे, क्या बता नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विशाल ने गिल्टी वर्ड पहले यूज किया है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े कर दे रहा है। क्योंकि अगर आप किसी को अच्छे वे में बोल रहे हो कि मुझे कोई अच्छा लगता है, तो उस चीज का आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपको गिल्ट है तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है, कि उससे फिर आपकी मानसिकता का पता चलता है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ और था और उन चीजों को कवर करने के लिए फिर आपने बोला है कि मैंने अच्छे वे में बोला है। अरे कुत्ते, अच्छे वे में बोला मैंने, उन्होंने सुन ली होगी ना। किसने? कुत्ते। तो ऑल ओवर जितना मैंने विशाल को देखा उस पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि एक टाइम पे गिल्ट सुनने के बाद मेरे को भी लगा था कि कहीं ना कहीं विशाल के दिमाग में उस टाइम पे कुछ और था, और वो उन चीजों को करेक्ट करने के लिए बाद में उसके द्वारा बोला गया कि मतलब जो चीजें थी वो उसने एक अच्छे वे में बोली थी। पर उसके बाद जब मैंने अनिल कपूर जी के द्वारा ऑन स्टेज जो मुद्दा उठाया गया था उसके ऊपर जब विशाल ने कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई, सुनने में मैंने भी शायद उसको जब इसलिए टोका था, मगर तू क्या कर रहा है, पागल वागल है क्या साढ़े? मैं अपने मम्मी की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने वो वे में नहीं बोला था। अगर अच्छे इंटेंशन से बोला, नेशनल टेलीविजन पे अगर कोई लड़का माँ की कसम खा रहा है तो मेरे को नहीं लगता कि वो झूठी कसम खाएगा। उस टाइम पे मेरे को लगा कि हाँ विशाल कहीं ना कहीं सच बोल रहा था, और उसका मतलब जो बोलना था एक अच्छे वे में ही था, उसने एक गिल्ट वर्ड ऐड किया, उसकी वजह से ये सारी चीजें बहुत गलत प्रेजेंट हुई है। तो जैसा कि देखा गया है ये सारी चीजें एक तरफ, पर अरमान मलिक जो इनके अगेंस्ट में किया है वो बिल्कुल ही गलत है। आप किसी को नेशनल टेलीविजन पे थप्पड़ नहीं मार सकते, आप नेशनल टेलीविजन पे ही छोड़िए कि आप इसको किसी को वैसे भी बाहर भी अगर आप नॉर्मली भी किसी को ऐसे थप्पड़ नहीं मार सकते हैं। और अगर देखा जाए तो बिग बॉस के नियमों के अनुसार बिग बॉस के घर में हिंसा करना बिल्कुल ही गलत है। ये बिग बॉस के घर में मेन रूल होता है कि आप किसी को थप्पड़ या किसी के साथ आप फिजिकल नहीं हो सकते हैं, और इन सब चीज के अगेंस्ट में जो बिग बॉस ने किया वो बिल्कुल ही गलत है। उसमें मेरे को लगता नहीं कि इतना सोच विचार करने की जरूरत थी, जो आपका मेन रूल है वो ही ब्रेक अगर किया है किसी ने तो उसको ऑब्वियसली बाहर कर देना चाहिए था। ये बिग बॉस ने जो बाकी सदस्यों पे ये फैसला छोड़ के एक बहुत ही सेफ प्ले खेला है, कि उनको पता है कि अभी जो है अरमान की वजह से ही कहीं ना कहीं बिग बॉस को टीआरपी मिल रही है। टीआरपी के लिए ही बिग बॉस ने एक अपना अहम रूल ब्रेक होने के बाद भी अरमान को अभी तक घर में रखा है। पर अब जिस टाइम पे हम देख रहे हैं कि मतलब अनिल कपूर के द्वारा जो भी किया गया है एक स्क्रिप्टेड डायलॉग ही लग रहा है। समझ रहे हो? जैसा कि सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि विशाल के सपोर्ट में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और एक क्लिप निकल के आई है जिसमें देखा जा रहा है कि उनके पेरेंट्स किस तरह से इमोशनल होकर अपने बेटे के लिए जस्टिस मांग रहे हैं। प्लीज बिग बॉस, मुझे आपसे ये निवेदन है कि उस इंसान को घर से बाहर निकालो कि जो मेरे बच्चे के ऊपर हाथ उठाया। तो ये देख के मेरे को लगता है कि बिग बॉस को बिना कुछ सोचे अरमान मलिक को शो से बाहर कर देना चाहिए। और आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।